सब्सक्राइब करें टेकमाइंड वर्ड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको खाता बुक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ, इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेकमाइंड वर्ल्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको खाता बुक एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। अगर आप दुकानदार हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको उधार लेन देन करना पड़ता है और उसकी एंट्री मैन्युअली कॉपी रजिस्टर या खाता बही में करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ग्राहक बोलते हैं कि हमने उधार लिया ही नहीं, उधार लेकर भूल जाते हैं, या बोलते हैं कि हमने इतने का नहीं इतने का उधार लिया था, इतने रुपए दे दिए थे। उधार लेन देन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं, तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए और अपने उधार लेन देन को डिजिटल तरीके से मैनेज करने के लिए आप खाता बुक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप एक से ज्यादा शॉप या बिजनेस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री और सुरक्षित है। इसमें की गई सभी लेन देन का बैकअप ऑनलाइन रहता है, इसलिए मोबाइल खो जाने पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस पुराना नंबर निकलवाना है और लॉगिन कर लेना है। इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। बस आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है, खाता बुक। नाम टाइप करते ही इसके नीचे ऐप आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, अब एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ आपको लगभग सभी मुख्य भाषाएं मिल जाएंगी, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। आपको जिस भाषा में भी ऐप रजिस्टर्ड करनी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप बाद में भाषा चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ स्वाइप करके ऐप के बारे में रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये एक खाता बुक यूजर है, इन्होंने यहाँ बताया है कि खाता बुक इस्तेमाल करने से पहले मार्केट में 8 लाख रुपए तक की उधारी हुआ करती थी। जब से इन्होंने खाता बुक इस्तेमाल किया है तब से उधारी 1.5 लाख रुपए से नीचे आ गई है। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस मोबाइल नंबर से ऐप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब OTP के द्वारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए यहाँ रिक्वेस्ट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वैसे तो OTP यहाँ ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, यदि किसी कारण से OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है तो OTP मैनुअली डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आप खाता बुक का इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हैं, पर्सनल या बिजनेस के लिए। यदि आपके पास कोई दुकान या बिजनेस नहीं है तो आप पर्सनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप घर, परिवार और दोस्तों की ट्रांजेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। और आपकी कोई दुकान या बिजनेस है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको उधार लेन देन करना पड़ता है तो बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे, यहाँ पर बिजनेस नेम डालेंगे यानी दुकान या बिजनेस का नाम डालेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट टाइम आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिया है, इस वीडियो में खाता बुक कैसे इस्तेमाल करते हैं बताया गया है। तो सबसे पहले आपको कस्टमर ऐड करना है, इसके लिए यहाँ न्यू कस्टमर के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी। यदि कस्टमर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से सेव है तो यहाँ उसका नाम या कॉन्टैक्ट नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। ऐसा करते ही उसका नाम नीचे आ जाएगा, उसके नाम के ऊपर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। और यदि कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है तो यहाँ न्यू फोन नंबर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ कस्टमर का नाम डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी। यदि आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप उसे SMS अपडेट और व्हाट्सएप अपडेट भेज सकते हैं, पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं और उसे रिपोर्ट आदि भेज सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कस्टमर का मोबाइल नंबर जरूर डालें। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा, यहाँ आपसे कस्टमर का स्टार्टिंग बैलेंस पूछा जाएगा। अगर आपका अभी तक का इनके साथ कोई भी हिसाब बाकी है, मान लीजिए ये आपसे पहले से उधार लेते आ रहे हैं और इनके ऊपर अभी तक के 1000 रुपए बाकी निकल रहे हैं, यानी आपको इनसे 1000 रुपए लेने हैं, तो पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके 1000 रुपए से स्टार्टिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे।
और यदि इन्होंने आपको पहले से ही 1000 रुपए एडवांस दे रखे हैं तो रिसीव ऑप्शन को सिलेक्ट करके 1000 रुपए से स्टार्टिंग बैलेंस की एंट्री करेंगे। और यदि आप जीरो बैलेंस से इनका खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्टार्टिंग बैलेंस में जीरो टाइप करके यहाँ इनका एड्रेस डाल के सेव करना है। मान लो हमारे इनके ऊपर 1000 रुपए बाकी निकल रहे हैं तो यहाँ हम 1000 रुपए डाल देंगे, यहाँ करंट डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। आप इसमें और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ इनका एड्रेस डाल देंगे और जो हिसाब आपने पहले से लिख कर रखा है यहाँ उसका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ टुडे पर क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ SMS अपडेट के बारे में पूछ रहा है, यदि आप SMS अपडेट ऑन रखना चाहते हैं तो ओके सेंड पर क्लिक करेंगे और यदि आप SMS अपडेट नहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ टर्न ऑफ SMS अपडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम ओके सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही कस्टमर का अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ होम पेज पर कस्टमर का अकाउंट शो होने लगेगा। चलिए अब मैं आपको इसमें ट्रांजेक्शन ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ कस्टमर के अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आप देख सकते हैं इनके ऊपर स्टार्टिंग ड्यू बैलेंस 1000 रुपए है। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अमाउंट एंड गुड्स आउट और अमाउंट एंड गुड्स इन। यदि आप रुपए या सामान उधार देते हैं तो आउट में एंट्री करेंगे और यदि कस्टमर आपको रुपए या सामान देता है तो इन में एंट्री करेंगे। अब मान लो ये कस्टमर हमसे 500 रुपए का सामान उधार लेता है तो यहाँ आउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ अमाउंट में 500 रुपए डालेंगे। यहाँ सामान के बारे में लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके बिल या सामान की फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब ड्यू बैलेंस 1500 रुपए हो गया है। अब मान लो ये आपको 800 रुपए दे देता है तो यहाँ इन पर क्लिक करेंगे, यहाँ 800 रुपए डालेंगे, यहाँ नरेशन डालेंगे, यदि आपने बिल पर रिसीविंग दी है तो यहाँ उसका फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ से डेट सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब ड्यू बैलेंस 700 रुपए शेष बचा है और यहाँ पर 800 रुपए की एंट्री क्रेडिट हो गई है। तो इसी तरह से आप ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब यदि आप इन्हें व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजना चाहते हैं या पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करेंगे, रिमाइंडर भेजने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और फिर शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक करना है, सेंड पर क्लिक करते ही रिमाइंडर चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रिमाइंडर चला गया है। यदि आप कस्टमर को खाता बुक रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ खाता बुक रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। सिंगल डे की रिपोर्ट भेजना चाहते हैं या मल्टीपल डे की रिपोर्ट भेजना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजने के लिए यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो इसे ओके कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही रिपोर्ट सेंड हो जाएगी। यहाँ क्लिक करके आप अपना बिजनेस कार्ड शेयर कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड बनाने के लिए पहली बार आपको यहाँ अपनी डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ टैग लाइन में आप अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ दुकान या ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके आप अपना बिजनेस कार्ड व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस कार्ड शेयर हो जाएगा। यदि आप SMS के द्वारा कस्टमर को पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो यहाँ SMS के आइकन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक SMS क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसे सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप कस्टमर की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ कस्टमर के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते ही कस्टमर की प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ आपको एडिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करके सेव कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके कस्टमर को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप जितने चाहें कस्टमर ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी कस्टमर ऐड करेंगे उन सभी के अकाउंट यहाँ होम पेज पर दिखाई देंगे। अगर आपके बहुत सारे कस्टमर हो जाते हैं तो यहाँ सर्च पर क्लिक करके और यहाँ से नाम या अमाउंट सेट करके कस्टमर का अकाउंट सर्च कर सकते हैं। इसके नीचे एक डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करके आप सभी कस्टमर की रिपोर्ट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप सभी कस्टमर की समरी देख सकते हैं, किस कस्टमर पर कितना बैलेंस ड्यू है और किस कस्टमर का आपके ऊपर एडवांस है। यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके आप प्रोफाइल देख सकते हैं। जैसे ही सी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ क्लिक करके आप अपना बिजनेस फोटो लगा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप अपना नाम, बिजनेस का नाम और खाता बुक का नाम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के द्वारा आप कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आप अपने कस्टमर और दोस्तों से अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हैं। ये 100% फ्री है, आपको कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं देना है और पेमेंट आपके अकाउंट में तुरंत सेटलमेंट होगा। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट या UPI ID ऐड करनी होगी, दोनों में से आप किसी एक को ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी UPI ID ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ऐड योर UPI ID पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपसे यूपीआई आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ यूपीआई आईडी डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही आपकी यूपीआई आईडी खाता बुक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगी और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब मान लो आपको किसी कस्टमर को पेमेंट लिंक भेजना है तो कस्टमर पेज पर जाएंगे और उस कस्टमर के अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ आपको एक रुपए का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही पेमेंट के लिए लिंक क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके अमाउंट कम भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 10 रुपए कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करते ही 10 रुपए के लिए पेमेंट लिंक क्रिएट हो गया है। अब या तो हम लिंक को कॉपी करके कस्टमर को भेज सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कस्टमर जैसे ही पेमेंट लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके सामने पेमेंट गेटवे पेज खुल जाएगा। इसके बाद कस्टमर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेगा। कस्टमर आपको डेबिट कार्ड या यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट कर सकता है। जैसे यदि वो यूपीआई आईडी से पेमेंट करता है तो उसके सामने यूपीआई की लिस्ट आ जाएगी। चलिए हम पेटीएम पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद कस्टमर यहाँ अपनी यूपीआई आईडी डालेगा और पे पर क्लिक करेगा। पे पर क्लिक करते ही उसके यूपीआई ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे ही कस्टमर पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यूपीआई पिन एंटर करेगा तो कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। पेमेंट लिंक के द्वारा जिस कस्टमर से भी आपको पेमेंट रिसीव होगा उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ रिसीव पेमेंट में शो होगी। आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके उसकी पेमेंट डिटेल देख सकते हैं। अगर आप सभी कस्टमर को एक साथ पेमेंट लिंक भेजना चाहते हैं तो यहाँ सेंड पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन सभी कस्टमर की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिनके ऊपर बैलेंस ड्यू होगा। यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सभी कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे और सेंड पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही सभी कस्टमर को SMS के द्वारा पेमेंट लिंक चला जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप खाता बुक में लिंक UPI ID को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ UPI ID के सामने 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा दुकान या बिजनेस है तो उसे भी मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ क्रिएट न्यू खाता बुक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप दूसरी खाता बुक बना सकते हैं। आप जितनी भी खाता बुक बनाएंगे वो सब यहाँ मेनू में शो होंगी। आप जिस खाता बुक को मैनेज करेंगे पहले उस खाता बुक को मेनू में आकर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ नीचे ऐप सेटिंग का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप ऐप का लॉगिन पिन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके आप सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको खाता बुक एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।